दोस्तों आज के टाइम के अंदर काफी सारे लोगों की ये इच्छा है, काफी सारे लोगों का ये सपना है कि मुझे टेली सॉफ्टवेयर सीखना है और अकाउंट्स की फील्ड में मुझे करियर है जो बिल्ड करना है, किसी अच्छी कंपनी में अच्छे सैलरी पैकेज के साथ मुझे अकाउंट्स की जॉब भी करनी है। तो ये वीडियो आपके लिए स्पेशल है क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो क्वेश्चन आपके माइंड में चल रही है कि क्या टेली सॉफ्टवेयर सीखने से जॉब मिल जाएगी या टेली सॉफ्टवेयर के साथ साथ मुझे कौन से और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो साथ में सीखने जरूरी है जो मेरे अकाउंटिंग के करियर के अंदर काम आएंगे, तो क्या टेली सॉफ्टवेयर ही आपको केवल जॉब दिला देगी या अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपको सीखना चाहिए या अकाउंट्स कोर्स आपको सीखना चाहिए। तो इस टाइप के जो भी कन्फ्यूजन आपके माइंड में है तो आज की इस वीडियो को एंड तक देख लेना, सारा कन्फ्यूजन आपका दूर होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम वो सारी बातें प्रैक्टिकल तरीके से स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे भी आपको टेली सॉफ्टवेयर अगर आप सीखना चाहते हो तो टेली सॉफ्टवेयर के अंदर आपको क्या क्या चीजें हैं जो स्टेप बाय स्टेप है जो सीखनी पड़ेगी। क्या आपको किसी बुक्स का सहारा लेना पड़ेगा या आपके कोई प्रैक्टिकल मटेरियल है वो काम आने वाला है, तो सब कुछ इस वीडियो में हम आपके साथ प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है विशेषकर उन लोगों के लिए जो अकाउंट्स के फील्ड में अपना करियर बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहन सुथार और स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। तो वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी आप जरूर हिट कर लें क्योंकि इस चैनल पर आपको आगे भी इसी टाइप की नॉलेजेबल वीडियो लगातार मिलती रहेगी। और वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्टार्टिंग के दो पॉइंट पे, यानी कि पहला जो पॉइंट हमारा है वो है अकाउंट्स नॉलेज और दूसरा है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नॉलेज। तो दोस्तों इन दोनों वर्ड के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, दिन रात का डिफरेंस है, यानी कि अकाउंट्स का नॉलेज। अब अकाउंट्स का नॉलेज अगर आपको है तो आप किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर इजी रूप से काम कर सकते हो, और दूसरा है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का नॉलेज, यानी कि अगर आपको अकाउंट्स का नॉलेज है तो आपको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का नॉलेज है जो काम करेगा। अगर आपको अकाउंट्स का नॉलेज नहीं है, केवल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का नॉलेज है, तो आपका कोई करियर की हम बारे में कह नहीं सकते भी आप अच्छी जॉब मिल जाएगी क्या, क्योंकि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होता है कि किसी भी कंपनी का, किसी भी टाइप के ट्रेडर्स का हम अकाउंट्स है जो मेंटेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं टेली सॉफ्टवेयर का। तो दोस्तों अब टेली सॉफ्टवेयर क्या है, भी टेली सॉफ्टवेयर अपने आप में एक अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है। लोगों का मानना है भी हम टेली सॉफ्टवेयर सीख लेंगे तो हम किसी कंपनी में अकाउंट्स की जो जॉब की शुरुआत कर देंगे, लेकिन अब मान लीजिए आपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सीख लिया, अब वहां पर डिपेंड करता है भी आपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को किस तरीके से सीखा है। अब तरीके का मतलब एक तो हो गया भी आपने किसी इंस्टीट्यूट से सीखा हो, दूसरा आपने किसी टैक्स प्रोफेशनल अकाउंटेंट के अंडर में रह के भी टेली सीखी है, या फिर कोई सीए के ऑफिस में रह के आपने टेली सॉफ्टवेयर को सीखा है। तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है क्योंकि अगर आपने टैक्स प्रोफेशनल अकाउंटेंट के अंडर में या फिर सीए के ऑफिस से अगर आपने टेली सॉफ्टवेयर सीखा है तो वहाँ पर आपको 100% प्रैक्टिकल नॉलेज ही आपने यूज किया है, यानी कि वहाँ पर जो भी आपने वाउचर एंट्री पास करी है वो टोटल प्रैक्टिकल मेथड पे ही पास करी है। अगर आपने किसी इंस्टीट्यूट से सीखी है तो हो सकता है इंस्टीट्यूट से आपने किसी बुक्स नॉलेज से सीखी हो, तो बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो प्रैक्टिकल नॉलेज भी देते हैं। तो प्रैक्टिकल नॉलेज से अगर आपने सीखी है, बिजनेस करियर वाउचर के साथ आपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को सीखा है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। अगर आपने किसी बुक्स नॉलेज से सीखा है तो हो सकता है आपको थोड़ी दिक्कत आए। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये था कि आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का नॉलेज आपको तभी काम आएगा अगर आपने अकाउंट्स को प्रैक्टिकल तरीके से सीखा हुआ है। तो अब बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि जब हम टेली सॉफ्टवेयर के अंदर काम कर ही रहे हैं तो सारा कुछ टेली सॉफ्टवेयर है जो मेंटेन कर देते हैं, बिल्कुल कर देता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपने उसको किस तरीके से यूज किया ये आप पर डिपेंड करता है, न कि टेली सॉफ्टवेयर पर डिपेंड करता है। हम पॉइंट नंबर 3 पे डिपेंड करते हैं चलते हैं। अब ये करते हैं ईच वाउचर जनरल एंट्री ट्रांजेक्शन रिपोर्ट, यानी कि हम चाहे आप टेली सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हो चाहे कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, हर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर हमें जो हमारे वाउचर होते हैं उनकी सभी की जर्नल एंट्री हमें पास करनी होती है। अब वाउचर का मतलब क्या आ गया भी, जैसा कि हम वाउचर पे चलते हैं तो वाउचर पे जाके आपने देखा होगा भी आपके पास में हर टाइप के ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड होता है। बैंकिंग के लिए हम कॉन्ट्रा का यूज़ करते हैं, अगर हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट का यूज़, पेमेंट आई है तो रिसिप्ट का यूज़, जर्नल के लिए, बेचने के लिए, सेल खरीदने के लिए परचेज, तो इसी तरीके से हम
क्रेडिट नोट डेबिट नोट का हम यूज है जो करते रहते हैं। तो ये सब है हमारे बिजनेस के वाउचर जिनकी जनरल एंट्री हमें करनी होती है। तो अब जनरल एंट्री में सबसे पहला क्या होता है भी आपने प्रॉपर सही तरीके से लेजर क्रिएट आपको करने आनी चाहिए। अब लेजर क्रिएट आप कर लोगे, अब देखो हम बात चलते हैं, सबसे पहले हम चलते हैं उसके कुछ बुक्स कॉलेज पे। अब मान लीजिए आपने किसी बुक से टेली सॉफ्टवेयर को सीख रहे हो, तो अब बुक्स के अंदर क्या चीज होगा, जैसे जैसे मान लीजिए बुक्स के अंदर लिखा हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा भी बुक्स बेकार है, बुक्स लिखने वाले ने बहुत अच्छी बुक लिखी होगी, हो सकता है वो बुक्स मेरे समझ में ना आई हो आपके समझ में आ गई हो, क्योंकि मेथड लिखने वाले ने लिख दिया। अब समझना जो इसको पढ़ रहा है उस पर डिपेंड करता है भी अब उसको वो किस तरीके से इसको यूज करने वाला है, जो वहां पर प्रैक्टिकल तरीके से जो पिक्चर बना बना के उनके डिटेल्स उनको समझाई गई है। तो अगर आप बुक से सीख रहे हो, यानी कि आपके पास कोई भी बिजनेस का वाउचर नहीं है, आप बुक से नॉलेज ले रहे हो, तो बुक्स में क्या होगा, मैं मान लीजिए आपके पास ये बुक्स ओपन करी, तो बुक्स के अंदर जैसे जैसे ये मान लीजिए स्टेप बताए गए हैं वो स्टेप आप फॉलो करते रहोगे, जैसे जैसे आप यहाँ पर एंटर करोगे वैसे वैसे आपके सॉफ्टवेयर के अंदर भी वो सेम फंक्शन है जो खुलते जाएंगे। लेकिन अब ये डिपेंड करता है भी वो फंक्शन आपकी कंपनी के लिए यूज होने वाले हैं या फिर नहीं होने वाले, क्योंकि सभी जो फीचर्स होते हैं वो सभी कंपनी के लिए यूज नहीं होते, हर कंपनी के लिए अलग अलग टाइप के फीचर्स हमें यूज करने पड़ते हैं। कोई बिजनेसेस है जो इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक आइटम को मेंटेन करता है, कोई नहीं करता, कोई मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी स्टॉक आइटम को पूरी यूज नहीं करता, कोई मतलब स्क्रैप यूज नहीं करता। तो हर कंपनी का एक अकाउंटिंग करने का जो मेथड होता है ना वो अलग होता है, लेकिन बुक्स के अंदर आपको सेम तरीका मिलेगा सभी के लिए। लेकिन अब डिपेंड करता है आपको ये सारी बातें कितनी अच्छी तरीके से समझ में आती है। अब ऐसा नहीं है भी आपने ये स्टेप फॉलो कर लिए और आपने सॉफ्टवेयर के अंदर कर लिए और आपने टैली सीख ली, तो ये टैली सीखना नहीं है। टैली सीखने का मतलब आपने बिजनेस के रियल वाउचर को रिकॉर्ड को मेंटेन करना सीखा। अब उसके बाद हम करते हैं पॉइंट पे भी, सबसे पहला इंपॉर्टेंट होता है लेजर क्रिएशन का भी। अगर आपको लेजर क्रिएट करना आता है, लेजर क्रिएट यानी कि ये नहीं भी आपने लेजर का प्रॉपर नाम सही लिखा उसकी स्पेलिंग सही लिखी, ये कोई लेजर क्रिएशन का तरीका नहीं है। लेजर क्रिएशन का तरीका हो गया भी आपने सॉफ्टवेयर के अंदर लेजर आपने क्रिएट किया है और लेजर क्रिएट करते वक्त आप जो भी मतलब लेजर क्रिएट किया है सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका ग्रुप का सिलेक्शन को लेके। अब यहाँ पर ये आपने स्पेलिंग गलत लिख दी कोई दिक्कत नहीं है, नाम एडिट हो जाएगा, लेकिन अगर आपने उसका लिस्ट ऑफ ग्रुप में से कोई ग्रुप सिलेक्शन गलत कर दिया तो आपकी सारी की सारी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो गलत कर देगा। अगर आप उस गलती को पहचान सकते हो भी गलती सॉफ्टवेयर कहाँ कर रहा है, तो इसका मतलब आपने प्रैक्टिकल तरीके से टैली सॉफ्टवेयर को सीखा है। लेकिन अब आपको खुद को नहीं पता चल रहा कि सॉफ्टवेयर के अंदर गलतियाँ कहाँ हो रही है, कौन सा लेजर मुझे कब बनाना है और उसका जो ग्रुप सिलेक्शन है वो मुझे किस प्रकार से सेलेक्ट करना है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर। क्योंकि जब आप लेजर सही क्रिएट करोगे उसका ग्रुप सिलेक्शन सही करोगे तभी हमारी जो कंपनी की जो GST की रिटर्न है, TDS की रिटर्न है, TCS की रिटर्न है, इनकम टैक्स की रिटर्न है वो प्रॉपर सही तरीके से मेंटेन होगी। ये सारी की सारी चीज़ें हमारे ऊपर डिपेंड करती है, न कि अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर पर। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर चलेगा आपके कमांड पे, अगर आपने कमांड सही दिए तो आपकी रिपोर्ट बिल्कुल सही बनेगी, कमांड्स अगर आपने गलत दे दी, कमांड गलत का मतलब जैसे लेजर आपने गलत सेलेक्ट कर दिया, ग्रुप सिलेक्शन सेलेक्ट कर दिया, वाउचर का मोड आपने चेंज कर दिया, तो उसी आधार के ऊपर हमारा आगे की जो रिपोर्टें वो बिल्कुल गलत बनेगी। अगर आपने लेजर क्रिएशन सही करी है और उसके बाद के अंदर आपने मान लीजिए जो भी वाउचर की ट्रांजेक्शन हमारी होती है वो आपने प्रॉपर सही तरीके से लिखी है, तो हमारा जो फाइनल ट्रायल बैलेंस है वो भी बिल्कुल सही तैयार होगा। अगर लेजर क्रिएशन में गलती होगी, वाउचर की एंट्री पोस्टिंग करते वक्त कोई गलती होगी, तो ये हमारा फाइनल का जो ट्रायल बैलेंस है वो भी बिगड़ जाएगा। अब उसके बाद अगर आपका ये सारा डाटा सही है तो उसके बाद हमारी डिटेल आती है बुक्स के फाइनल रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए, जिसके अंदर हम ट्रेडिंग अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं और बैलेंस शीट को भी प्रिपेयर करते हैं। तो ये सारा का सारा जो फाइनल रिकॉर्ड तक पहुँचने की जो प्रक्रिया है ना वो यहाँ से ही स्टार्ट हो जाती है, आपकी जर्नल वाउचर की जो एंट्री है उस पर डिपेंड करता है और उसके साथ साथ आपके लेजर क्रिएशन और स्टॉक आइटम के ऊपर भी डिपेंड करता है, HSN कोड पे भी डिपेंड करता है, उसका जो डिस्क्रिप्शन है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ये सारी बातें आपको प्रैक्टिकल तरीके से सीखनी पड़ेगी। अब हम चलते हैं इसके ऊपर, बुक्स के ऊपर। अब मान लीजिए बुक्स के अंदर जैसे हमने कंपनी क्रिएट करी, तो अब कंपनी क्रिएट करने के बाद जैसे आपने ये बुक्स के ऊपर हम एग्जाम्पल समझते हैं इसको,
अब जैसे कि एक रवि एक्सेप्ट करने के बाद आपकी कंपनी सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा फीचर जो आपको इनेबल करना चाहते हैं यस कर सकते हैं, अन्यथा उसको नो रहने दें। अब बुक्स लिखने वाले ने तो लिख दी भी आपकी जो फीचर्स आपको इनेबल करने हैं उसको यस कर दो अन्यथा नो कर दो। वर्डिंग बिल्कुल सही है, वर्डिंग के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब आप पे ये डिपेंड करता है, आपकी कंपनी पे ये डिपेंड करता है, आपके कॉन्फिडेंस पे ये डिपेंड करता है कि अब आपको कौन से फीचर्स को तो यस रखना है और कौन से को नो रखना है। क्योंकि बाय डिफॉल्ट अगर हम सॉफ्टवेयर में देखें तो सारे फीचर्स यस नहीं होते और सभी फीचर जो नो भी नहीं होते, तो कुछ फीचर्स को हमें नो रखना पड़ता है, कुछ को यस भी रखना पड़ता है। तो अब ये आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा भी आपकी कंपनी किस टाइप की अकाउंटिंग मेंटेन आपसे करवाना चाहती है। तो उस तरीके से जैसे हम करेंगे भी फीचर देखो भी उसके बाद सारे फीचर्स को इनेबल या डिसेबल करने के बाद आप इसको एक्सेप्ट करोगे, तो वही तो बात है ना। अब देखो कोई फीचर है, अब इसके अंदर यस भी है तो जरूरी नहीं है भी सभी आपके लिए यस ही जरूरी हो। अब मान लीजिए आपने कंपनी के लिए जीएसटी का जो मतलब डिटेल है वो फिलअप करनी है, तो आपको पता है भी जीएसटी के डिटेल के लिए आपको जीएसटी के ऑप्शन को यस करना पड़ेगा, तभी आप जीएसटी की डिटेल को यस कर पाओगे। अब मान लीजिए आपकी कंपनी है अकाउंटिंग मेंटेन नहीं करती या करती है इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करती, तो आपको इन चीज़ों को नो भी रखना पड़ेगा। तो अब ये सारी बातें आपको बुक्स नहीं सिखा पाएगी, बुक्स सिर्फ आपको एक स्टेप बता सकती है, एक दिशा आपको दे सकती है, लेकिन उस दिशा के अंदर आपको किस तरीके से चलना है वो आपकी प्रैक्टिकल अकाउंटिंग पर डिपेंड करेगी। तो तभी मैंने इसलिए कहा भी अगर आप अकाउंटिंग को टेली सॉफ्टवेयर को सीखते हो तो टेली सॉफ्टवेयर दो तरीके, आपने किसी अकाउंटेंट के अंडर में रहते हुए या फिर किसी इंस्टीट्यूट के अंदर रहते हुए और आपने बुक्स नॉलेज से सीखी है। तो बुक्स नॉलेज आपको जॉब नहीं दिला पाएगा, अकाउंटिंग को प्रैक्टिकल तरीके से अगर आपने सॉफ्टवेयर को सीखा है, एंट्री करने का तरीका, लेजर क्रिएशन करने का तरीका, जीएसटी रिटर्न, टीडीएस रिटर्न या टीसीएस रिटर्न को प्रिपेयर करना प्रैक्टिकल तरीके से, बैलेंस शीटें वगैरह, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन सब का अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है, यानी कि अगर हम कोई भी वाउचर एंट्री अगर टेली सॉफ्टवेयर के अंदर पास करते हैं तो इसका इफेक्ट हमारी बुक्स पर क्या पड़ेगा, यानी कि उसके अंदर कौन सा लेजर हमारा ट्रेडिंग का पार्ट है, कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है, कौन सा हमारा बैलेंस शीट का पार्ट है, तो ये सारी बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आनी चाहिए। तो दोस्तों आई होप कि आप सारी बातें मेरे अच्छी तरीके से आप समझ रहे होंगे भी हमें टेली सॉफ्टवेयर को किस तरीके से सीखना चाहिए, न कि बुक्स नॉलेज के आधार पे। बुक्स आपने जैसा कि भी बुक्स लिखने वाले नहीं लिख दी, उसने अपने माइंड से लिख दी, हो सकता है उसने अपने माइंड से बिल्कुल सही तरीके से लिखी हो, लेकिन उसको अब ओरिजिनल के अंदर प्रैक्टिकल मेथड के अंदर किस प्रकार से यूज करना है ये आप पर डिपेंड करते हैं। क्योंकि अगर आपने बुक्स नॉलेज से सीखा है तो बुक्स सीखा आपने कुछ और है, लेकिन जब भी आप किसी भी कंपनी में अकाउंटिंग मेंटेन करने के लिए जाओगे तो वहां पर आपको कुछ अलग ही देखने को मिलेगा, ये नहीं है भी बुक्स नॉलेज आपका वहां पर काम आने वाला नहीं है। तो इसलिए जब भी आप टेली सॉफ्टवेयर सीख रहे हो तो आप पर्टिकुलर बिजनेस करियर वाउचर के साथ आप सीखिए, किसी अकाउंटेंट के अंडर में सीखिए या फिर आप किसी सीए के ऑफिस से आप इसको अच्छी तरीके से सीख सकते हो। और दूसरी बात, ये जरूरी भी नहीं है कि आप केवल टेली प्राइम सॉफ्टवेयर ही सीखो, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आप उनको भी सीख सकते हो। अकाउंटिंग मेथड करने के जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के सभी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के तरीके जो बिल्कुल सेम होते हैं, हाँ फीचर्स थोड़े चेंज हो सकते हैं, कंपनी जो इसका जो लेआउट है वो थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन अकाउंटिंग के मेथड अगर आप कोई परचेज वाउचर की एंट्री करोगे ना तो वो परचेज वाउचर में ही आपको करनी पड़ेगी। अब फॉर एग्जांपल हम टेली सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो टेली सॉफ्टवेयर में हम देख सकते हैं भी F9 है जो शॉर्टकट कमांड है परचेज की, हो सकता है किसी दूसरे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में इसकी कमांड है जो F7 कर दे, F10 कर दे, F11 कर दे, F12 कर दे, या और कोई शॉर्टकट कमांड कोई भी बना सकती है एल्ट के साथ कंट्रोल के साथ। तो परचेज आपको सिर्फ परचेज वाउचर को ढूंढना है, न कि उसके शॉर्टकट को ढूंढना है। तो इसलिए हम कहते हैं भी अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर सीखो तो पर्टिकुलर किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के पीछे मत भागो, जबकि आप प्रैक्टिकल अकाउंटिंग सीखने के पीछे भागो। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, फिर भी अगर आपका कोई क्वेरी है इस वीडियो से रिलेटेड, टेली सॉफ्टवेयर सीखने से रिलेटेड, अकाउंटिंग कोर्स सीखने से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो आपके उसी टॉपिक पर बनाने की।